अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयिरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहूनं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। बच्चे सदा विद्यार्थी होते हैं। जब भी विद्यार्थी के नाम आते हैं तो हमें लगता है जो किताब लेके बैठता है तो वो विद्यार्थी है, बैग लेके स्कूल जाता है तो विद्यार्थी है, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चे 24 आवर्स विद्यार्थी होते हैं। ये बात कहकर मुझे ये कहना है कि आप जैसे थूकते हो ना तो बच्चा वह भी सीखता है, आप जैसे खाते हो बच्चा वो सीखता है। बच्चा देखता है कि आप दोनों हाथों से रोटी तोड़ते तो बच्चा भी दोनों हाथों से रोटी तोड़ेगा। यदि आप एक हाथ से रोटी तोड़ेंगे तो बच्चा भी एक हाथ से रोटी तोड़ेगा। बच्चे एकदम कॉपी करते हैं। तो आज हम यही चर्चा करने जा रहे हैं एक घंटे के अंदर कि बच्चों को किस उम्र में क्या सिखाना हमारी ड्यूटी है। चाहे तो आप इस चार्ट को अपने घर में लगा सकते हैं या आप अपने ध्यान में रख सकते हैं, अपनी कॉपी में रख सकते हैं। बच्चों से कहूँ, बच्चों के लिए कहूँ, उससे पहले मैं बड़ों के लिए भी कहूँगा। हमारे गुरुजी पंडित साहब ने एक बहुत अच्छी बात हमको कही, आदर्श शिष्य वह है, आदर्श आत्मार्थी वह है जो जीवन के अंतिम समय तक सीखने के लिए तैयार रहता है। फिर से बोल रहा हूँ, जीवन के आखिरी समय तक सीखने के लिए तैयार रहता है। तैयार का क्या मतलब है? आपको पता है जो सीखने के लिए तैयार नहीं होते वो अहंकारी होते हैं। अहंकारी सीखना नहीं चाहे, हम सब जाना तो हमें मत सुनाओ। आपने देखा होगा जब कोई किसी को टोकता है ना, चुप रहो हम सब जाना। ये जो अहंकार आता है ना वो विद्यार्थी पने को नष्ट करता है। हमारा अहंकार हमारे विद्यार्थी पने को नष्ट करता है। अंतिम क्षण तक सीखने लायक एक पाठ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो है समाधि। विपरीत परिस्थितियों में भी हम कैसे शांत रह सकते हैं, बीमारियों में भी कैसे भेद विज्ञान कर सकते हैं। कोई हमें, हमारे पुत्र, हमारी बहुएं, हमारे समाज वाले, हमारे मित्र हमें सहयोग नहीं कर रहे हो समाधि में, उस समय भी हम कैसे निरपेक्ष रहें, ये सीखने लायक है। बात पहले से सीखो और अंतिम समय तक सीखते रहो। सीखने का यदि कोई गुणस्थान है तो छठे गुणस्थान तक सीखो। क्या बोल रहे हैं? छठे गुणस्थान तक सीखो। आप सीखने का फल फिर सातवें गुणस्थान से आगे आगे, माने बुद्धि पूर्वक हमें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। विद्यार्थी का लक्षण है वह अहंकारी ना हो, नम्र हो। आप जानते हो क्या है? विद्या ददाति विनियम और विनियम ददाति पात्रता। विनयशील होना चाहिए, सीखने के लिए तैयार रहें। शिक्षक कौन होगा? शिक्षक कौन होगा? तो पूरी प्रकृति ही शिक्षक है। क्या कहा? पूरी प्रकृति ही शिक्षक है। समय सारजी नाटक में छंद नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें एक छंद आया है और वो मैंने बानपुर की स्वाध्याय भवन के दरवाजे पे लिखा हुआ पढ़ा था। तो मैंने पंडित साहब से पूछा कि मुझे तो ये गलत लगता है जो लिखा हुआ है। उसकी पहली लाइन थी, जहाँ तहाँ जिन वाणी फैली।
जी ये शब्द मुझे अखर था, जिनवाणी ऐसी हर कहीं फैली है, अरे जिनवाणी विराजमान है, आदरणीय है, पूज्य है, अच्छे से रखी है या विराजमान, ऐसे बोलो जहाँ तहाँ जिनवाणी फैली। तो मुझे समझ में नहीं आई ये बात, समय सार नाटक में लिखा है। तो मैंने पंडित साहब से पूछा कि मुझे तो ये गलत लगता है, तो पंडित साहब बोली सच्ची बात यह है कि शास्त्र पढ़कर कोई बैरागी नहीं हुआ, जितनों को भी बैराग्य हुआ, ज्ञान हुआ, दीक्षा हुई, वो सब प्रकृति को देखकर हुई। तारा टूटता हुआ देखा और हनुमान जी को बैराग्य आ गया, नीलांजना का निधन देखा और बैराग्य आ गया, मल्लीनाथ भगवान का है कौन का है, वो वृक्ष गिरा हुआ देखा था पिछले भाव में, वो बैराग्य आ गया, ओस बिंदु गलते हुए देखा चक्रवर्ती को बैराग्य आ गया। देख लेना जिन जिन का, मैं ज़्यादा ज़्यादा याददाश्त मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाएं देख करके बैराग्य आ जाता है। इसलिए प्रकृति सबसे बढ़िया शिक्षक है, प्रकृति बहुत बढ़िया शिक्षक है। बस पढ़ने की स्टाइल हो तो जिनवाणी सर्वत्र मिल जाएगी, और पढ़ने की स्टाइल नहीं हो तो 11 अंग 9 पूर्व पढ़ करके भी मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि रह जाता है। आइए अपन बच्चों के प्रसंग में बात कर रहे हैं। मैं तो आप सबसे भी इसलिए कहा कि आप विद्यार्थी बने रहें और नम्र बने रहें। कोई सिखाता है तो आप जल्दी प्रतिकार नहीं करें, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, क्रोध आ जाता है, जिसको अहंकार होता है वो सुनना ही नहीं चाहता। और सही बात बताऊं तो आज की तारीख में ये गुण बहुत ही कम होता जा रहा है। बाप बेटे में जो जनरेशन गैप है ना वो इसीलिए है, और सास बहू में भी नहीं बनती, उसका मूल कारण यही है कि वो जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप मतलब सीखने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैंने कहा छठे गुणस्थान तक सीखने के लिए तैयार रही है। मैं गुरु शिष्य के मामले में भी कहूँ तो छठे गुणस्थान तक कहा मैंने, जब भी कोई ब्रह्मचर्य ले, आत्म साधना करे, तो उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे छठे गुणस्थान तक निरंतर सीखने के लिए तैयार रहना है। आइए अब हम बच्चों की बातें करते हैं। बच्चों को अपने कार्य करने में सहभागी बनाएं, इसका एक चार्ट है पूरा, क्या क्या सिखाएं। आप चाहें तो बच्चे को घर में रहते रहते गणित सिखा सकते हैं, स्वच्छता सिखा सकते हैं, विद्युत के उपकरण की जानकारियां सिखा सकते हैं, सब्जियों के स्वाद और सब्जी के नाम और सब्जी संवारना सिखा सकते हैं, और रसोई बनाना सिखा सकते हैं। इतना ही नहीं, इंग्लिश सिखा सकते हैं, हिंदी सिखा सकते हैं, संस्कृत सिखा सकते हैं, हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, मतलब कल्चरल बहुत सारी बातें सिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं केवल घरेलू काम की बात बता रहा हूँ, बाकी काम तो बच्चे जैसे पानी छानेंगे आप तो बच्चा सीख जाएगा, जीवाणी करना आप करेंगे तो वो सीख जाएगा। आइए मैंने अभी बहुत कम काम लिखे हैं इसमें, लेकिन आप इस चार्ट में बहुत सारे काम जोड़ लेना, बच्चा क्या क्या कर सकता है वो देख लेना आप। 4 से 6 साल तक के बच्चे की उम्र यदि है, 4 साल के बच्चे से लेकर के, तो इस उम्र में आप बच्चे को गणित कैसे सिखाएंगे और स्वच्छता कैसे सिखाएंगे उसकी मैं बात करता हूँ। जैसे मान चलिए अपने को बच्चों से पूछना है, बेटी 2 टमाटर लाओ, अब बच्चा 2 टमाटर ले आया। आपने देखा है बच्चे किताब का जो मैथमेटिक्स है ना उसमें भले ही फेल हो जाए लेकिन पैसे काउंट करने में मतलब ये गणित कितनी जल्दी सीख जाते हैं बच्चे, नोट गिनना सीख जाते हैं, पैसा गिनना सीख जाते हैं। मेरे ग्रैंडफादर थे, मैं कक्षा 1 या 2 में पढ़ता हूँ, तो वो बाजार हाट करने जाते थे, हाट बाजार करने जाते थे, तो उसमें रेजगारी बहुत आती थी उस जमाने, तो रेजगारी वो पूरी ला करके ऐसे ज़मीन पे पटक देते थे। तो अब हमसे कहते थे तुम तो 10-10 पैसे छांटो, 5-5 पैसे छांटो, उन्हें अलग अलग करो और 10-10 के 10 सिक्के इधर रखो, ढेरी बना बना के, तो गणित आ गए वो 5-5 पैसे के 20 सिक्के इकट्ठे करो, 1-1 रुपये की बन जाएगी इसको, ऐसे करो, चवन्नी की 4-4 रखते जाओ, 8 अन्नी की 2-2 रखो, माने वो बचपन की बात याद आती है। आप बच्चों को खेल खेल में बातों बातों में सारा गणित सिखा सकते हैं। अब एक काम करो, इस 10-10 पैसे के 10 सिक्के 1 रुपया, अब आजकल तो है नहीं 10 पैसे सिक्के, लेकिन मैं तो अपना पुराना हिसाब बता रहा हूँ। अब 20 पैसे छोटी बिन्नू को दे दो, कितने पैसे बचे अब बताओ गिन के बताओ। मैंने 4 से 6 साल के बच्चे को बड़े आराम से गणित आ जाएगा। उससे कहो 1 लौकी निकालो, 2 टमाटर निकालो, 8 भिंडी लो, गिनेगा वो 8 भिंडी। तो ऐसे करते करते बच्चे गणित सीख जाते हैं।
स्वच्छता के मामले में उसको सबसे पहले रुमाल धोना सिखा देना चाहिए। रुमाल सरल चीज़ है, छोटा सा है आइटम, और बच्चा इतना खुश होता है, और फिर उसकी तारीफ करो। एक बात जरूर ध्यान रखो कि तारीफ बहुत करो, बच्चे इतना बढ़िया रुमाल धोया, इसके पापा तो आश्चर्यचकित हो गए, किसने धोया इतना बढ़िया, इतना अच्छा तो मैं भी नहीं धो सकते। तो बच्चा इतना खुश होता है, फिर प्राउडली मोहल्ले में बताता है, मेरी मम्मी कहती है, मम्मी तक नहीं धो पा रही, मैं इतना बढ़िया धोता हूँ। इससे वो दूसरा काम करने के लिए तैयार हो जाता है। बच्चों को प्रशंसा करने की आप फीस चुकाते जाइए और काम कराते जाइए। आप देखिए, मुझे मालूम है आप झाड़ू बहुत अच्छा लगाते हो, इतना अच्छा वो नहीं लगा तो आप जरूर लगाते हो, और झटपट लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। काम सिखाते जाइए। ये सारी सब साफ सफाई, 4 से 6 साल तक का बच्चा फ्रिज में जो आइस बॉक्स होता है, आइस का बॉक्स, उन्हें पहुंच सकता है बड़े आराम से। यदि सारा सामान निकाल दिया हो तो उसे पहुंच सकता है, मैं सब सूखे कपड़े से, क्योंकि 4 से 6 साल तक का बच्चा पर्याप्त बड़ा है और बड़े आराम से इस काम में कर सकता है। तो ये छोटे छोटे काम उससे अपन करा सकते हैं। बोतल में पानी भरने का काम दे सकते हैं उसको, अपन उसे बड़ा मज़ा आएगा बोतल में पानी भरने का। इस तरह के काम छोटे छोटे उसको दिए जा सकते हैं। पोंछा लगाने का काम सिखाया जा सकता है कमरे में। अभी देखो, छोटे बच्चे को छोटी छोटी मसालों के नाम, सब्जियों के नाम, बड़े बड़े नहीं, कठिन कठिन नहीं, हम नहीं बताना इसको, छोटे और सरल सब्जी और मसालों के नाम उसे आप याद करा सकते हो। और टेस्ट चखने के लिए कह सकते हैं आप, बूरा और नमक दोनों एक जैसे यहाँ रख दो आप उसके सामने। अब उससे पहले पूछो, बोलो इसमें से नमक कौन सा है, बूरा कौन सा है, वो निश्चित नहीं बता पाएगा। तो फिर उसे कह देखो इस तरह से चेक करके अपन पता लगाएंगे, ये कैसा लग रहा है, ये खारा खारा लग रहा है, ये नमक है, और ये वो जिंदगी भर के लिए याद हो गया उसको। मैंने उसे टेस्ट का ज्ञान कराया जाएगा, मसालों के नाम बताए जा सकते हैं, सब्जियों के नाम बताए जा सकते हैं। इसके बाद कटाई छटाई का कार्यक्रम, मैंने वो क्या कहना है, सब्जियाँ संवारने का काम बच्चे को आप बता सकते हो बड़े आराम से। उनके लायक मटर छीलने का काम बहुत अच्छा है। 6 साल का बच्चा, 4 से 6 साल तक का बच्चा मटर छील सकता है, मूंगफली छील सकता है, बल्लर छील सकता है। अभी चक्कू नहीं पकड़ाना है उसको, क्योंकि चक्कू लेकर के यदि वो बनाने लगे तो उसकी उंगली बन जाएगी। तो अभी उसको इस तरह के काम बताए जा सकते हैं, छोटे छोटे काम। फली तोड़ने के काम बताए जा सकते हैं। यदि पत्तेदार सब्जियाँ आप खाते हों, पत्तेदार घर में सब्जियाँ, तो उसे पत्ते संभालने के लिए कहा जा सकता है। उसमें जीव होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, वो देखने के लिए बारे में कहा जा सकता है। बड़े आराम से छोटे छोटे काम करेगा। भोजन पकाने का काम में क्या करेंगे इस समय इसको, बहुत सिंपल काम उसको बता रहे हैं, प्लेट लगाइए, थालियाँ लगाइए, परोसिए, कितने गिलास लगेंगे, 4 आदमी हैं तो टेबल पर रखिए। यदि आप डाइनिंग टेबल पर खाते हैं तो, वैसे मैं नहीं कहूँगा कि खाइए, मैं तो यही कहूँगा पाटे लगाइए, पाटा साफ करिए, थाली साफ करिए, पोंछिए, थालियाँ में कटोरियाँ लगाइए। आज अपने इतनी चीज़ें बनी तो कितनी कटोरियाँ लगानी पड़ेंगी, कि थाली में चम्मच देनी पड़ेगी, क्या क्या करना पड़ेगा, ये आप उसे करवा सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे काम उसे बताइए। 7 साल से 9 साल तक का बच्चा यदि है तो उसके लिए सेकंड स्टेप होगी, 7, 8, 9, ये 3 साल के लिए बच्चे में, 7 से 9 तक के बीच में, 9 साल तक का बच्चा चड्डी बनियान धोना सीख सकता है बड़े आराम से। मैं चाहता हूँ कि बच्चे सील की परंपराओं का पालन करें, इसलिए अपने कपड़े खुद धोना सीख जाएं। ज़्यादा नहीं, पहले रुमाल धोना सीखा था, अब वो चड्डी बनियान धोना सीखे। अब उसे अपने सिखाना पड़ेगा सामने, कहाँ साबुन लगनी है, कितनी साबुन लगनी है, और किस जगह पर गंदगी होती है, ये बात उसे बताई जाए। और चड्डी बनियान फाड़ नहीं डाले, वो विंडो नहीं बनाए, ये बात उसे जरूर बतानी है। कपड़े को किस तरह से हाथों से साबुन मल करके रखना है, कितनी देर रखना है, कितनी देर में पसीना भीग जाएगा, मैल भीग जाएगा, फूल जाएगा, और फिर किस तरह से ब्रश करना है। इतने 2 कपड़े धोना आप 3 साल के अंदर सिखाइए। 9 साल की उम्र तक आता है तो इतने इतने सीख सकता है। शर्ट पैंट, स्वयं के कपड़े धोना, भाई बहनों को बांटो, मैंने भाई बहनों को बांटने के लिए चीज़, जैसे सिंगाड़े खाते हो, कोई भी चीज़ खाते हो, आप बांटिए सबको बराबर बराबर, सबको 3-3 दो। बच्चे हिसाब लगाना सीखते हैं, ये देखो मैथमेटिक्स आ गया, सबको बांटना देंगे। और क्या करोगे,
लड्डू बांटिए सबको, आइसक्रीम बांटिए, जो घर की चीज़ें हों खाने पीने की वो बांटने बड़े भाई को। अब इसमें एक खास चीज़ सिखानी जो मुझे आपसे कहना है, बांटना मतलब केवल देना ही नहीं है, उसे न्यायप्रियता भी सिखानी है। छोटे बच्चों को बड़े प्यार से देना, मैं अभी कुछ भाषा सिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, सभी लोग सुनना उस भाषा को, बच्चे उनको बड़े प्रेम से देना सीखे। सबसे पहले अपने, आपको पता है, सबको मालूम होना चाहिए, ये क्या कहलाता तुम्हारा, चाहे पानी का जहाज का एग्जांपल देता हूँ, पानी का जहाज, उसमें एक कप्तान होता है, कप्तान कैप्टन, इसकी जिम्मेदारी जानते हो क्या होती है? यदि जहाज डूब रहा हो तो वो सबसे आखिरी में उतरता है, चाहे भले उसकी जान चली जाए। उसकी एक बुक होती है, रूल्स बुक होती है पूरी, कि सबसे पहले यदि नाव कम है तो नाव में बच्चों को उतारिए, फिर महिला जवान जवानों को उतार दिए, महिलाओं को उतार दीजिए, महिलाओं के बाद वृद्धों को उतारिए, फिर अपने कर्मचारियों को उतारिए, सबसे आखिरी में कप्तान स्वयं उतरता है। ये बात बच्चों को मालूम होनी चाहिए। यदि कप्तान फटाफट अपनी व्यवस्था करके भाग जाए तो उसे फांसी की सज़ा मिलेगी, क्योंकि इतनी ज़िंदगी से खिलवाड़ किया उसने, उसे रहना चाहिए था आखिरी समय तक। ये बात तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चों को कैप्टन क्यों, तुम्हें इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया जाए तो कैसा लगेगा, बोलो कैसा लगेगा, अरे कप्तान कैप्टन मज़ा आ गया। लेकिन कैप्टन की बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो गुण आपको घर में ही सीखने हैं। आप सब बच्चों को पहले बांटिए, नहीं मिले या कम मिले तो आप कम ले लेना, अब ये बहुत बड़ी बात है। बांटने वाला जनरली क्या करता है, सबसे पहले अपने हिस्से का सैप, बोलो भाई सबसे बड़ा आम किसको दोगे आप, सबसे बढ़िया पीला पका हुआ आम बड़ा वाला साइज का किसको रखोगे आप, हैं किसके लिए, दादाजी को, बिल्कुल सही बात है। चलो इतना पार्ट तो आप सीख गए, ये ध्यान रखना चाहिए, बड़ा आम यदि हम बांट रहे हैं तो दूसरों के लिए देना है, छोटा हम लेंगे, अच्छी चीज़ दूसरों को देंगे यदि हम बांट रहे हैं तो। ये छोटा सा गुण नहीं है, बहुत बड़ा गुण है। जनरली मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, घरों में कहो 25 पैसे के डिफरेंस के लिए तलाक हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, सास बहू में तनाव हो जाता है, पति पत्नी में तनाव हो जाता है, क्यों कि बच्चे बच्चे समझते हैं सब, बहू ने आम में से अमरूद में से सबसे बड़ा अमरूद या सबसे अच्छा अमरूद अपने लिए खा लिया निकाल करके, तो जेठानी का बच्चा देख रहा है, वो आंखों आंखों से पूरी वीडियो बना रहा है और मम्मी से कहता है, मम्मी चाची बहुत खराब है, बोले क्यों भाई, इतने बढ़िया अमरूद लाए थे ना अपने 1 किलो, उसमें से सबसे बढ़िया, आपको पता है अपन छांट के ही लाते हैं बाजार से, लेकिन उसमें से भी सबसे अच्छा उसने खाया, तो छोटा सा बच्चा भी कहता है चाची खराब। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप खाओगे तो आपके बारे में भी यही कहा जाए, जिंदगी में हो सके अच्छी से अच्छी चीज़ पहले दूसरों को दो, बस आपने सबका दिल जीत लिया, अब सारी दुनिया में आपकी प्रशंसा होगी। आज आप दे रहे हो, कल दूसरे आपको देंगे, परसों तीसरे आपको, इधर से आ जाओ बेटा, उधर उधर नहीं बैठो, डिस्टर्ब नहीं होगा, इधर आ जाओ, अच्छे से बैठे, बढ़िया, उधर मत घुस, हाँ बढ़िया। तो बच्चों को ये गुण सिखाना है उस समय, बांटते समय। यदि बच्चा उसमें बेईमानी करे तो उसे कहो, अच्छा एक बात बताओ, 5-10 पैसे का डिफरेंस पड़ा हुआ बड़े आम छोटे आम में, क्या फ़र्क पड़ा हुआ, 25 पैसे का फ़र्क पड़ा हुआ आजकल की तारीख में, 50 पैसे का फ़र्क पड़ा होगा, 2 घूंट ज़्यादा। मैं बच्चों को अपनी बात शेयर करता हूँ, मैं बड़ा था ना घर में तो मैं ही बांटता था सबको, तो मैं बेईमान था अब मैं पूरी कोशिश करता कि अच्छा आम मैं लूँ, फिर छोटी बहन को छोटा आम दूँ, लेकिन फिर भी नीयत ख़राब होती थी, मेरा बड़ा आम होने पर भी खट्टा है, इसका छोटा होने पर भी मीठा होगा, तो मैं उससे कहता था चखाना तेरा आम अब बेचारी चखाती थी, मैं अपना भी चखा देता था, तो भी नीयत ख़राब रहती थी, मैंने ये बताना चाह रहा हूँ। फिर मैंने आम खाया, उसने भी आम खाया, दोनों ने खाया, उसका भी छिलका उसने उतारा, मैंने भी उतारा, दोनों ने चूसा, बाद में मैं ठगा गया क्योंकि मेरे आम में बड़ा गुठली निकल गई, उसके आम में बहुत छोटी गुठली थी मेरे आम में सफ़ेद सफ़ेद निकल गया, वो खुश खराब सा
सफ़ेद सफ़ेद, और उसका आम एकदम मीठा भी था और बढ़िया भी था, लेकिन अब मांग नहीं सकते थे वापस, बदल नहीं सकते थे। मैंने ये देखा कि बेईमानी का फल धोखा है, अपन तो धोखा खा जाते। इसीलिए एक गीत लिखा है मैंने बच्चों के लिए, सुना ही होगा बच्चों ने, मेरा लड्डू छोटा भाई, बड़ा मिले तो खाऊं भाई। मैंने कभी नहीं करना, मैंने बहुत सोचा 10-25 पैसे के पीछे क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन हमेशा अच्छी चीज दूसरों को देने की कोशिश करो, आप जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगे। आए आगे चले। उपकरणों का प्रयोग सामने बैठ करके बताएं, इलेक्ट्रिक उपकरण जो भी हो, उस उम्र में 7 वर्ष से 9 वर्ष की उम्र में, मानो मिक्सी चलाना है, उसमें धना पीसना है। अब धना पीसना थोड़ा सरल काम है, और क्या कहलाता है, हल्दी पीसना थोड़ा कठिन काम है। बच्चे को हल्दी बस पिसवाओ, आओ से धना पिसवाओ, क्योंकि वो ऊपर से हाथ रखेगा, बटन दबा देगा, धना पिस जाएगा। अब नमक वमक पिसवाओगे, उसे बम विस्फोट जैसी आवाज़ आएगी, हल्दी धड़ 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 बोलेगी, बच्चा बेचारा घबरा भी सकता है, कुछ हो सकता है। मेरा मतलब है उससे सरल काम कराने में मिक्सी का प्रयोग सामने बैठ करके बता दें। छोटे छोटे और प्रयोग हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक में पानी की रॉड उससे नहीं करवाई मैंने अभी। 9 वर्ष की उम्र तक बच्चों को पानी की रॉड लगाने के लिए नहीं कहना चाहता, इलेक्ट्रिक ऐसी चीज़ें नहीं, लेकिन जो सेफ हैं आइटम, उनका प्रयोग उन्हें आप सिखा सकते हो। क्या कहलाता है वो, आप जो भी यूज करते हो, क्या होते हैं आजकल, नाम भी याद नहीं रहते, कुछ होते हैं ओवन जैसा कुछ आता है इलेक्ट्रिक का, कुछ माइक्रोवेव है, माइक्रो ओवन ऐसा कुछ है ऐसा। अब यदि सेफ होता हो तो इसमें कोई चीज़ रखना हो, निकालना हो, बंद करना है, चालू करना है, वो आप करा सकते हैं। मेरे ख्याल से ये आजकल कोई स्टोव आ गया, क्या कहलाते हैं वो, इंडक्शन क्या है, जो भी भैया, तो इंडक्शन जी, मेरे ख्याल से थोड़ा सेफ है, इसे आप करवा सकते हो, सिखा सकते हो। एक बात ध्यान रखो, बच्चे इसमें बड़े खुश होते हैं, बच्चे अपना दिमाग लगा के बहुत खुश होते हैं, बेटे इससे ऐसा करना है, इससे ऑफ करना, ऑन करना, बच्चे खुश होते हैं। मैंने बच्चों को आप सिखाइए, इससे मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये चार्ट का प्रयोग जरूर करिए घरों में बच्चों के साथ। यदि बच्चा अकेला भी है तो मम्मी अपने साथ रखे उसे। जनरली ये होता है कि अकेला बच्चा घर में 2-4 घंटे मोबाइल से वीडियो गेम खेलता रहता है, या तो वो टीवी देखता रहता है, या वीडियो गेम खेलता है, या कार्टून देखता है, और फिर उसकी पूरी जिंदगी कार्टून बनने में निकल जाती है। मैं चाहता हूँ बच्चों को ऐसे छोटे छोटे काम, आप, मैंने तो कम बताए इनमें काम, आप और लिस्ट पढ़ा सकते हो। छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ रखिए, उनकी तारीफ करते रहिए, उनसे बातें करते रहिए, उनकी स्कूल की बातें पूछिए, उनकी फ्रेंड की बातें पूछिए, बच्चा सत्य बोलना सीख जाएगा, वो बता सकता है। जैसे हमारे यहाँ बच्चे हॉस्टल में आते थे तो उनका इंटरव्यू लेना पड़ता था, तो हम किसके भरोसे छोड़े इंटरव्यू, तो वो काम मैं ही करता था। रिटर्न परीक्षा था तो वो ले लेते थे, वो टेस्ट, लेकिन ओरल में ही लेता था। तो मैं बच्चे से बहुत प्रेम से पूछा, वो बच्चा कमज़ोर होता था, फेल हो जाता था, या कमज़ोर कम पास होके आता था, कम नंबरों से, अच्छे नंबरों से भी आता था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन वो आया। तो मैं उससे पूछता था, तो हमेशा उसके सामने पहला बात यही बोलता था, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन स्कूल अच्छा नहीं था, माहौल अच्छा नहीं था, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट। तो बच्चा इतना खुश हो जाता है पहली बात में ही सुन करके। फिर हम दूसरी बात बच्चे से पूछते थे कि आप तो बहुत अच्छे हैं, तो मैं ये नहीं पूछता था आप गाली देते हो कि नहीं देते, ये नहीं पूछता था, आप तो बहुत अच्छे हो, आपके फ्रेंड कितने थे क्लास में, तो फिर वो कहता सब, अपन समझ गए सब में खराब भी हैं। फिर उनमें अच्छे बच्चे कितने थे और ख़राब बच्चे कितने थे, तो बोले 5 बच्चे बहुत अच्छे थे। मैंने अच्छे अच्छे क्या थे, गोरे गोरे थे। कि नहीं नहीं पंडित जी, वो होमवर्क करते थे। अब अपन समझ गए, ये बच्चा समझता कि अच्छा क्या होता है। 5 बच्चे होमवर्क करते थे, टीचर उनको लाइक करते थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, फर्स्ट पास होते थे। फिर हम पूछे तो फिर ख़राब बच्चे कितने थे, कि पंडित जी 10-5 बच्चे तो बहुत ही गंदे थे। मैंने बहुत गंदे, मैंने नाक टपकती थी। तो नहीं नहीं पंडित जी, नाक नहीं, वे गंदे गालियाँ बक। अब हम समझ गए ये बच्चा बहुत अच्छा, क्योंकि ये बच्चा समझता है कि कोई गाली बकता है मैंने गंदा बात। अब हम समझ गए इस बच्चे का इंटरव्यू पास हो गया, इसको ले लेने लाएगा। मैंने बात ही बातों में पूछते थे उससे सारी सारी बात। तो फिर तुम्हारे तुम किन के साथ खेलते थे, फिर वो गाली बकते थे तो तुम भी देते होगे कभी कभी, तो फिर तुम्हारे मुँह से भी निकल तो जाती हूँ, देते नहीं होगे मतलब। हाँ पंडित जी कभी कभी निकल जाती थी। तो ऐसे धीरे धीरे करके उनकी जड़ में पहुँच जाते थे। फिर हम समझ जाते हैं बच्चा सत्यवादी है,
झूठ नहीं बोल रहा है, ये बिल्कुल अच्छा अच्छी बात है, तो उस बच्चे का हम एडमिशन कर लेते। अभी हम बच्चों को भी ध्यान रखना है अपने को कि बच्चों को सत्य बोलने की आदत ऐसे डाली जा सकती है कि उनसे बातें करिए। मैं एक बहुत दुख की बात कहना चाह रहा हूँ, मैंने आज की तारीख में मम्मी टीवी में बिजी हो जाए या रोटी बनाने में बिजी हो जाए या अपने काम से काम में लग जाए, तो ये बहुत बड़ा शोषण है बच्चों के साथ। मैंने आप ये समझिए आप बच्चे से डिसकनेक्ट हैं। मेरा बस चले ना, मैं बच्चे को एक मिनट फ्री ना छोड़ूं, संग बिठाए रहूं, बातें करता रहूं, खेलता रहूं, हंसता रहूं, बोलता रहूं, उनसे पूछता रहूं तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ, तुम्हारी मैडम कौन सी अच्छी हैं, क्या पढ़ाया था, क्या बताया था, उनसे पूछते रहो। वो बच्चा अपने आप बता देगा सारी गड़बड़। और ये बच्चे को सत्य बोलने की आदत उसे 14-16 साल में बहुत काम आएगी। 14-16 साल में भी बच्चा बिल्कुल बता देगा, बच्ची बता देगी मम्मी फला लड़की बहुत ख़राब है हमारी, लड़कों से बातें करती है, फ़ोन पे बातें करती है, फला करती है। वो अपने आप आके बता देगी। गली में दो लड़के बहुत हैरान करते हैं, भाई मास्टर अच्छा नहीं है, गलत नज़र है इसकी। मैंने वो बच्ची घर में आके सब बता देगी। ऐसे बच्चे भी बता देंगे, आपको जान करके ताज्जुब होगा। मैं तो अभी उतनी बड़ी बात नहीं बताऊँगा पूरी, थोड़ा सा इशारा कर रहा हूँ। 94% बच्चों के साथ बैड टच के शिकार होते हैं, अश्लीलता के शिकार हो जाते हैं, किसके शिकार हो जाते हैं, अभी बता रहे थे ना वो, इनके शिकार हो जाते हैं और भी हरकतों के शिकार हो जाते हैं, लेकिन बच्चे बताते नहीं हैं, डरते हैं, छिपा जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ बच्चों से इतनी बातें करिए कि बच्चा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए आपके पास, और इस उम्र में आप उससे बातें करते रहिए, सामने बैठ करके उसको काम सिखाइए। अभी पुरानी सब्जियाँ सीख चुका है बच्चा, तो नई स्वाद, नई ताजगी, उनकी गुणवत्ता, सब्जियों की गुणवत्ता बतानी है यहाँ पर। 7 से 9 वर्ष की उम्र में बच्चे को जैसे लौकी पहचानना उसके लिए सरल है, ककड़ी पहचानना सरल है, ऐसी सब्जियाँ उनको सामने लाइए और उनकी गुणवत्ता, गुणवत्ता समझिए क्वालिटी, उसे चेक करना ना चाहिए। ये लौकी मीठी निकलेगी, ये बढ़िया निकलेगी, इसे नाखून लगा के देखा जाता है। बल्कि एक बात और बता सकते हो, बेटे इतनी पतली लौकी नहीं लाना जिसको अपने की भाषा में जउआ कह रहे हैं, छोटे छोटे जउआ ककड़ी ये नहीं लाना बेटे अपने को, क्यों, ये अनंत का आया वक्ष है, देखो इसके ऊपर रोम दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर बेटे बीज पूरे नहीं बने हुए हैं, पके नहीं हैं, ये अपन नहीं लेते हैं, ऐसी लौकी नहीं लाना, ये इंजेक्शन वाली लौकी कहलाती है, ये पतली पतली आजकल मार्केट में बिल्कुल पतली पतली लौकी। तो बच्चे को ऐसे समझाया जाता है, ये क्वालिटी बताई जाए बच्चों को, उन्हें चखना भी बताएं, माने जैसे ककड़ी अगर चखते हैं ना, जैसे कोई आम चखते हैं आदि आदि, तो उन्हें चखना बताएं। अब देखिए मिर्ची बनाने के लिए सुरक्षित चाकू, सुरक्षित चाकू माने तेज धार वाला चाकू ना हो, मिर्ची बनाने के लिए अब कैसे सिखाएंगे वो आप देखिए, उसे बताइए। चाकू, कैंची, सरोता, हसिया, ये चीज़ सुरक्षित हैं, मोटे मोटे आइटम हैं, आप इन्हें सिखा सकते हैं। कैसे सिखाएंगे, इस सामने करके सिखाइए। यदि बच्चा अकेले भी इन सामान का प्रयोग करेगा तो हाथ काट सकता है, तो इन सामग्रियों का प्रयोग करना सिखाइए। चाकू, सुरक्षित चाकू, कैंची, सरोता, हसिया, इस उम्र में बच्चा आटा गूंथना, बेसन घोलना, उसे बड़ा मजा आएगा। आप जैसे पकोड़े बनाने तो जाओ भैया कट तपेली में बेसन ले लो, आप घोलो, देखो बेटे आधी आधी कटोरी पानी डालना, धीरे धीरे डालना ऐसे करके, और धीरे धीरे उसे बड़ा मजा आएगा इस काम को करने में। यदि हाथ से नहीं करवाना तो चम्मच से कराइए, फिर बीच में बताइए नीचे हाथ मत लगा दीजिए, नहीं तो नीचे के हाथ लगा उसमें डाल दे, ऐसे नहीं करना, कपड़ों के हाथ नहीं लगाना उसके अंदर, और ना खा रही हो सेवड़ा बरस रहा हो तो आज नहीं करो तुम माँ बेटा। मेरा मतलब है कि बच्चों को काम करते समय छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन भी देने पड़ेंगे और सामने भी काम करना। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं 5वीं पढ़ता था, मैंने तो चौथी पांचवी तो मम्मी को काम नहीं करना होता था ना, तो दूर ही बैठी रहती थी, लेकिन वहाँ से कहती एक चम्मच तेल डालो, पहले जीरा डालो, हरी मिर्ची डालो, पहले हरी मिर्ची पहले डालो, नहीं जीरा जल जाएगा जब तक। तो हरी मिर्ची पहले डालने से जीरे सुरक्षित बच जाते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे वो सब दूर से बता, सब्जियाँ बनाना सिखाया उन्हें धीरे धीरे। फिर मम्मी मेरे को छोड़ के, तब पता नहीं 3री 4थी पढ़ रहा हूँ मुश्किल से, और मेरी मम्मी छोड़ के 1.5 महीने की तीर्थ यात्रा पे चली गई, और मेरी छोटी बहन मेरे साथ, हम दो जाने घर में। अब घर में हम रसोई बना रहे, उस जमाने में गैस चूल्हा नहीं था, हाँ गैस चूल्हा नहीं था, हम दोनों भाई बहन 1.5 महीने अकेले रहे,
लकड़ी जलाना पड़ती थी मट्टी के चूल्हे में। अब पहली बार जिंदगी में मैंने अरहर की दाल बनाई और डेगची होती थी ना डेगची, अब उसका पानी उफन उफन जाए वो आग बुझा दे। अब वो समझ में ही नहीं आया कितना ही पानी डालो उफन जाए वो। फिर मैंने नानी के घर जाके पूछा 1.5-2 किलोमीटर दूर कि हमारी दाल जल जाती है बनी नहीं रही करें क्या। फिर उनने बताया कि उसके ऊपर पानी रख करके एक कटोरा रख दिया करो तो फिर वो दाल नहीं ढुलेगी। मैंने ऐसे एक आइटम सीखा, सिस्टर को तैयार करना, उसकी चोटी बनाना, उसको पाठशाला भेजना, सारे काम छोटी उम्र से ही करे मैंने। लेकिन सारे काम आ गए उसमें, धोना 1.5 महीना रहना, मैंने रोटी भी बनाना था, काम भी करना था, कपड़े भी धोना था, घर में झाड़ू भी लगानी थी, मैंने इंडिपेंडेंट। मेरे पिताजी ने कक्षा 5वीं के बाद, 5वीं तो छोड़ो, उन्होंने कक्षा 1 में ही भर्ती कराने गए होंगे, इसके बाद कभी नहीं गए। कक्षा 6 में जब मेरा एडमिशन होना था ना, तो मैंने कहा पिताजी एडमिशन कराने चलो। सो बोले एडमिशन में होता क्या है, तुम जाओ एडमिशन का फार्म ले आना। सब 5 पैसे में एडमिशन का फार्म ले आए, अब हमने उन्हें पकड़ा दिया, भरो। तब बोले हम काग भरे, देखो वहाँ पढ़ के उसमें लिखा छात्र का नाम, अपना नाम लिखो, पिता का नाम है, हमारा नाम लिखो। अब उन्होंने 6ठी का फार्म तक नहीं भरा। हमने भरा फिर उसको, फिर कहले नहीं आ रहा तो वहाँ जाके पूछना और क्या करना है। मैंने कुल मिला के 6ठी कक्षा से उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट कर दिया। मुझे अच्छी तरह से याद है मेरे पिताजी, फिर मैं बहुत छोटा ही था जब 8वीं 9वीं पढ़ रहा हूँगा, तो उन्होंने बैंक का काम सिखाने के लिए मेरे, उस समय साइकिल नहीं थी हमारे पास, 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर 3 राउंड लगवाए, मम्मी के साइन करा के ले गए। अब कि इसमें पुष्पा बाई लिखा है तो पुष्पा अकेला लिखा है तो पूरा लिखा, फिर पुष्पा बाई लाए तो पहले नहीं बताया कि पुष्पा बाई लिखना है, वो सिग्नेचर बताते नहीं है, 3 बार राउंड लगाए, अब पुष्पा देवी लिख दिया उन्होंने तो कहीं पुष्पा बाई कर दिया, तो 3 बार फार्म भरे, 3 बार आए गए, लेकिन जब रुपए निकाल के लाए ना तो बड़ी खुशी हुई, काम आ गया। मैंने बैंकिंग का काम, पोस्ट ऑफिस का काम, एक बार प्रेस बिगड़ गई प्रेस, तो हमने घर से लाकर दुकान पिताजी को दे दी, सुधरवा दे। सुधरवा ने कहा 2 बटन है खोलो, हमने 2 बटन खोल दिए। अब इसमें है क्या, एक एम्पलीफायर होता है उसके अंदर, सो कह निकालो इसमें से, सो निकाल दिया, सो कह जाओ बाजार में से ले आओ, सो 1 रुपया का वो ले आए, लगा दो फान और 2 ही बटन कस दो छुट्टी। तो उन्होंने खुद ने नहीं करा मुझे वो पूरा काम, इलेक्ट्रिक की जो दीपावली की लाइट आती थी ना झालर वालर, कैसे लगाओगे तुम जाना। अब एक बल्ब फ्यूज हो गया तो जले ही नहीं, अब पिताजी के तुम ही चेक करो टेस्टर से, सब में टेस्ट करो। मैंने कुल मिला करके सारा काम मैं इंडिपेंडेंट कर दिया उन्होंने, और इस चीज़ आनी चाहिए सब चीज़ें, भले छोटे छोटे काम होते हैं लेकिन सब सीखने चाहिए, समझ गए होंगे, सारे काम आपको सीखने हैं। आगे देखिए, आटा गूंथना, बेसन घोलना, चखना, परोसना, सलाद सजाना, बच्चों को इसमें बहुत मजा आएगा, छोटे छोटे बच्चे टमाटर गोल गोल पीस करो, देखो पहले तो 2 पीस करके सो दो, फिर ऐसे ऐसे बनाओ, फिर मिर्ची बनाओ, मिर्ची के स्टम्प बनाओ। समझ गए, मैंने अच्छे उसको सजा, तो बच्चों को इन कामों में लगा दो, मैंने आप बच्चे को फ्री मत छोड़ो, बस बच्चा एक बार सीख जाएगा काम आ जाएगा। दही फेंटना, सिलबट्टा पर पिसाई करना, मसाले कूटना हमाम दस्ते में, इन कामों को सिखाइए। 10 से 12 साल का बच्चा क्या क्या काम कर सकता है, 10 से 12 साल का बच्चा दादा दादी की सेवा कराओ, इससे छोटा बच्चा में ताकत ही नहीं होती बेचारा, वो हाथ क्या लगाएगा। लेकिन इस उम्र में बच्चे को, 10 से 12 साल का बच्चे को हाथ पैर दबाना, मालिश करना, दादा दादी के सिर की मालिश करना, सेवा करना, दबाना, ये काम आ जाने चाहिए। और भी है काम, चम्मच थाली गिनने को कहा जा सकता है इस उम्र में। फिर मिक्सी और माइक्रोवेव का प्रयोग इस समय कराया जा सकता है, इनके बटन चालू कराए जा सकते हैं, बटन चालू करना बंद कराने का काम किया जा सकता है। 10 से 12 साल के बच्चे से अब सब्जी खरीदना और सब्जियों की रेसिपी की चर्चा की जा सकती है 10 से 12 साल के बच्चे से। उसे पूछो क्या खाओगे, कैसे बनाएंगे, क्या करें, तुम बताओ, आ जाओ हमारे साथ, छोंकते चलो, तो उनको काम सिखाया जा सकता है। यदि आगे के काम में चटनी बांटने का काम, पिछली बार अपने देखा था जब 9 साल तक के बच्चों को वो दे रखा था अपने, वो क्या हसिया, वो सरोता, क्या कहते वो आम कटना, तो उसको उसने कलियां बना रहा था उससे, अब उसको चटनी बटवाने के लिए कहिए आप।
अचार डालने के लिए कही अचार डालिए, आपको ये अचार बनाना है आज, ताजा अचार खाना है रोज, ध्यान रखना एक साल का नहीं खाना है ना, ताजे ताजे अचार डालना। सिंगाड़े छीलना, यदि आप सिंगाड़े खाते हो घर में तो सिंगाड़ा छीलना, उनको उबालना, उनको सवारना, इस तरह का काम करने के लिए कह सकते हैं आप। 10 से 12 साल का बच्चा अभी रोटी नहीं बेल सकता ज़्यादा, लेकिन रोटी पकड़ना सीख जाए, रोटी डालना सीख जाए। मैं इस उम्र में जब था ना, तो मेरी मम्मी और दादी और बुआ वगैरह सब लोग मिल करके वो क्या करते थे, वो पापड़ बेलते थे, पापड़ बड़ा मज़ा आता था पापड़ बेलने। तो मेरे से पापड़ तो नहीं बेल सकते थे, उन जैसे पतले 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 वो तो चिपक ही जाएंगे, मैं मेहनत करूँगा तो मेरे से कुचैया करा दे। कुचैया समझते हैं आप लोग, सब समझते हैं बच्चे सब, तुम लोग सब बुंदेलखंड के हो कि मराठवाड़ा में भी कुचैया बनती है तो छोटे छोटे कर करके बनवा देते। फिर अपने आप ही पता नहीं, फिर मालूम नहीं, फिर देखते 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 उन्हें बड़ा करने का रोग लग गया, फिर उन्हें पूरे पतले बेल, फिर मम्मी दूर से ताली, अरे इतना पतला, और हम कैसे चले आ रहे हैं सब मैंने धीरे धीरे करके कुल मिला करके वो काम सीखते चले गए। तो रोटी तवे पर डालना, हलवे का आटा सेंकना, बच्चे को बड़ा मजा आएगा हलवा बनाने में, तो बहुत ही मजा आएगा। लौकी किसना, कद्दू किसना, उसकी उसका रायता बनवाओ, बच्चे से फेंटाओ, छोंक लगवाओ, मैंने छोटे छोटे काम है लेकिन बच्चे बड़े हंस के करेंगे। मालूम है जब स्कूल में बातें चलेंगी तो बच्चा हंस के कहेगा मुझे सब काम आता है, मैडम कभी कोई बात पूछ लेंगे तो बिल्कुल झट बोल देगा फटाफट, ऐसा काम किया जाता है। तो दाल चावल धोना, खिचड़ी बनाना, पकाना, डालना, भजिया कढ़ाई में डालना, पूरी तलना, ये काम इस उम्र में सिखा सकते हैं। अगला है 13 से 15 साल के बच्चे, घर में मेहमान और दीन दुखियों की सेवा, सहयोग, चाय दूध में शक्कर नापकर डालने को कहो। अब इस उम्र में चाय दूध बना सकते हैं बच्चे, चाय उबाल सकते हैं, दूध उबाल सकते हैं। नाप तोल के काम समझिए, माने बच्चे को एक ग्लास कितने कितने पाव का होगा, एक कटोरी कितने पाव की होगी। अब हम लोग दूध लेने जाते थे, दूध लेने तो उनके लीटर मीटर से तो नापते नहीं थे, तो हमारे घर की कटोरी या वो गिलास ले जाते थे तो उसी से नापते थे। अब उसकी आदत ऐसी पड़ गई कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाते हैं तो उनके लीटर से नहीं नापते। अब तो खैर वो 3 लीटर और 2 लीटर और 2.5 लीटर की वो ही आ गई सीधी सीधी, उतने भरवा लिए, पैसे दे दिए सीधे। लेकिन उस जमाने में भी मैंने अपने बर्तन अपने गिलास का नाप बना लिया, उसी से नापते थे। तो बच्चे सीखते हैं इस तरह से। यदि घर में वो आती है तुम्हारी, क्या कह गैस के सिलेंडर, बच्चे से कहो तुलवाओ, इससे रसीद चेक करो, हिसाब रखो, अकाउंट लगाना सीखो, बोलो आज दिन भर में कितने खर्चे हो गए, बोलो 10 रुपए की सब्जी आई, क्या क्या आया, एक एक आइटम लिखो बेटे। इस उम्र में बच्चे को बजट बनाना सिखाया जाना चाहिए। 15 साल की उम्र का बच्चे को, कई बार बच्चों में एक तकलीफ होती है बड़े लोगों को, बच्चे फटाक से ऑर्डर कर देते, मम्मी 500 रुपए के जूते लाओ, महंगी वाली शर्ट लाओ, फला करो मेरे लिए फटाफट, मेरी इच्छा का काम नहीं करते आप। तो बच्चों को बजट बनाना सिखाएंगे ना, बेटे देखो अपनी महीने भर की इनकम इतनी है और खर्चे इतने हैं। अब बच्चे बोले मम्मी 2000 तो अभी तो बच रहे हैं, अभी कहाँ बच रहे, बेटे तेरी फीस रह गई है, अगले महीने पता है तुमको मामा की शादी में जाना है, 2000 वहाँ खर्च हो जाएंगे, पैसा बचते कहाँ है तेरे पापा के पास। तो बच्चे को इससे सेंसिटिविटी आएगी, बच्चा समझदार बनेगा कि खर्चे कैसे होते हैं। तो बजट बनाना जरूर सिखाइए बच्चों को, घर का हिसाब रखना सिखाएं, सब्जी और कपड़े का हिसाब रखवाएं। अब उन्हें स्वयं चलाने दें, 14-15 साल की उम्र में बच्चों को अब फ्रिज कूलर पंखा जो जो चलाने के काम है उस खुद करने दीजिए। प्रेस करने का काम यदि सीख गए हैं तो प्रेस करने दीजिए कपड़ों पर। सब्जियों के खाने के फायदे इस उम्र में बच्चे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। विटामिन की भाषा में कहते हैं विटामिन, सलाद खाने से पेट साफ होता है, कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कितनी मात्रा में खानी चाहिए, ये बच्चों को बताई जा सकती है। सब्जियों के खाने के फायदे, सब्जियां स्वयं खरीदें बच्चे, सब्जियों के बगीचे में काम कराएं, ये बात तो मैं ज़रूरी कहना चाहूँगा आजकल की तारीख में। यदि आपके पास छत पर मट्टी डलवा लें आप फालतू जगह में, या आपके पास क्या कह रहे थे आजकल गार्डन, किचन गार्डन, साइड में जगह हो, खिड़कियों के पास जगह हो,
तो वहाँ बच्चों को काम दे दीजिए आप। अभी मैं इस बच्चे से बात कर रहा था, ऋषभ से, मैंने ऋषभ से कहा कि तुम क्या करते हो, क्या खेलते हो, तुम्हें बहुत बढ़िया गेम बताया ऐसे, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऋषभ तुम बताओ कि मैं ही बताऊँगा कौन सा गेम खेलते तुम घर की छत पर। ये श्योपुर में घर की छत पर इसने मिट्टी डाल रखी है, वहाँ खेती बाड़ी करता है। वहाँ उसमें बीज डालना, कौन कौन से मिर्ची के, धना के, जो जो, उनमें खेती बाड़ी, उसमें पानी डालना। मैंने बच्चा गली में नहीं खेलता जी, मोहल्ले में नहीं खेलता, अपने घर पे अपने भाई बहनों के साथ वहीं खेलना। तो मुझे एक, मैंने कहा तुम खेलते क्या, तो बोले हम मिट्टी का गेम खेलते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़, बच्चों को काम सिखाएं अपन, खाद डालना, पानी डालना, देखना, रक्षा करना। आपको कई बार ऐसा भी लग सकता है कि कैसा काम बता रहे हो आप, लेकिन यदि आप लोगों ने कोई सीरियल देखे हों और बच्चों का जीवन देखा हो, तो बच्चों में पेशेंस डेवलप करने के लिए काम बहुत अच्छे। आपको पता है, अपन जब पहली बार गोठली जमीन में डालते थे फिर भूल ही जाते थे, लेकिन जब इतना सब पेड़ निकलता था तब बड़ी खुशी होती, अरे यहाँ तो हमने गोठली डाली थी। बच्चों को पेशेंस आता है, एकदम नहीं आएगा सब सामान, धीरे धीरे मिर्ची आएगी, बच्चे इतने खुश होते, बच्चों को इतना अपना तो होता है, हम मिर्ची का पेड़ हमने लगाया है, इतनी सी मिर्ची आ गई मम्मी, फूल आ गया, एक 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 मिर्ची उसकी जान बन जाती है। जब उसको, जब धना आता है ना, धना, धने का दाना, धना आता है, पत्ती तो आ ही जाती, पत्ती के बाद धना आता है। आप सही बताए ना, आपने पैदा किया वो धना खाने में कैसा मजा आता है। मैंने बच्चों को छोटे छोटे काम बड़े आसानी से कराए जा सकते हैं, जो आसानी से घर के आंगन में लग सकते हैं वो जरूर करें। आगे मिर्ची, शिमला मिर्ची, भिंडी, तुरई, गिलकी, फलीदार सब्जियां आदि, इनकी आइडेंटिटी सिखाएं, इनकी आइडेंटिटी माने इनको पहचानना आना चाहिए। कई बार लोग तुरई को गिलकी और गिलकी को तुरई बोल देती, दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए और दोनों के गुण भी पता होना चाहिए। गुणों के मामले में तो मम्मी पापा सबको सीखना चाहिए कि इन सब्जियों में गुण कौन से होते हैं। जैसे अपन हल्दी यूज करते हैं, लेकिन हल्दी दी बेस्ट कैंसर निरोधक है, दी बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट क्या कहलाती है, बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन हम जानते नहीं उसके गुण। अजवाइन हम खाते जरूर, लेकिन हमें पता ही नहीं कि अजवाइन के गुण क्या हैं। हो सके तो एक सामान्य सी पुस्तक आती है बहुत अच्छी, भोजन और मसालों से चिकित्सा, आहार ही औषधि है, इस नाम से एक पुस्तक आती है। इन चीज़ों को अपन पढ़ते रहें और समय समय पर बच्चों को बताते रहें। और यदि न्यूज़पेपर आता हो तो अखबारों में हर सप्ताह स्वास्थ्य का एक पन्ना आता है, आप स्वयं पढ़ें, बच्चों से पढ़वाएं, छोटी छोटी चीज़ बच्चे सीख जाएंगे, उसकी चर्चा अपन अलग से करेंगे। स्वतंत्रता से कोई चीज़ तैयार करना, अब इस समय में बच्चे को इतना तैयार हो जाना चाहिए, उससे कहें खिचड़ी बनाओ, तो इस उम्र में बच्चा खिचड़ी स्वतंत्रता से बना ले। पहले आपने सामने बनवाई है, भजिया बनाना बहुत सरल है, हलवा बनाना बहुत सरल है, अब तक बच्चा तैयार हो गया होगा। बच्चे से कहो आपको ही तैयार करना है, बस खत्म। आए समझ में आए? देखो बच्चों को छोटे छोटे काम नहीं आते, छोटे छोटे काम। अभी हम ब्रह्मचारी भाई लोग थे तो मैंने कहा लौकी की खीर बना लो, तो लौकी किस ली और सीधे दूध में डाल दी, अब 3 लीटर दूध आई आई आई। तो मैं तो इसलिए प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि अभी सम्मित शिखर जी की घटना है, तो हमने कहा खीर बना लेना, लौकी तो आई गई, तो लौकी किस भी ली, यहाँ तक तो ठीक, लौकी किसने साथ साथ उंगली भी किस ली, नारियल गोले किसने के लिए कहे हुए, 5-6-8 भाई थे और निर्वाण कल्याणक के गोले सही तैयार करने थे इस अमायन में, तो हम 5-6-8 भाई बैठ गए, अब घिस रहे, 2-3 लोगों ने उंगली काट ली। अरे उंगली कैसे कट गई, काम करना सीखा ना, अतिरिक्त तो दबाव डालो और ना ऐसे बड़े आराम से करा, और एक जने घिस रहे यहाँ से ऐसे घिस रहे, कभी हो ही नहीं रहा। मैंने बच्चों को छोटे छोटे काम से, तो खीर बनाने के लिए समय शिखर जी घटना है अभी की, और लौकी थी हमने चलो इसको तो केस लिया और सीधी दूध में डाल दी, और दूध में रख के थोड़ा गर्म किया, उतार के रख दी, खीर बन गई। अब समझ गए खीर कैसी बनी होगी। अब करते क्या, फिर उबलने रख दी तो पूरा दूध फट गया, 3 लीटर पूरा दूध फट गया, पानी अलग। अब खाओ पियो, अब जो है सो खाओ, करो क्या। मैंने छोटी सी बच्चियों को गलती,
ये बच्चे नुकसान उठा के करेंगे काम, काम तो करेंगे बच्चियाँ भी और बच्चे भी। मैं बच्चियों के मामले में भी कह रहा हूँ, जिन बच्चियों ने अंदाज मार काम करते हैं ना उसमें घी का नुकसान होता है। जैसे जैसे मम्मी ने रसगुल्ले बनाने, तो रसगुल्ला जो बनाते हैं गुलाब जामुन, गुलाब जामुन कह रहा हूँ गुलाब जामुन, अब उसमें यदि घी ना निकाला जाए तो वो सारे सारे बिखर जाएंगे उसके अंदर जाके और पूरा घी का सत्यानाश कर देंगे, वो सब बेकार काम हो जाएगा। तो ये सिर्फ प्रैक्टिकल काम करने पर बच्चों को सीखने को मिलता है, तो आप भी प्रैक्टिकल काम जरूर करिए। मैं बच्चों से तो सबसे ही कहना चाहता हूँ, मेरा बस चले तो हॉस्टल में मैं इनको सिखाऊँ ये काम। बच्चियों को तो मैंने आत्मार्थी टेस्ट में कहा है, हर सप्ताह आपकी क्लास में रसोई बनाने वालों को नहीं बनाना चाहिए, आपको बनाना चाहिए, आपकी टीम को सारे काम करना चाहिए। क्यों? बच्चियों को आज बड़ी दुख की बात यह है, मैंने कहा था ना 3 साल की उम्र से बच्चे 22 साल की उम्र तक बच्चियाँ या तो हॉस्टल में चली गई इधर उधर, तो कुछ सीख ही नहीं पाती। नहीं हमें, मैं तो ये कहता हूँ सारे काम आने चाहिए। बरी बना, बरी आजकल बनाते कि नहीं बनाते पता नहीं, पुराने लोग तो बनाते थे, पापड़ बरी रसगुल्ला छेना ये सब तैयार करना बच्चों को आ सकता है। चलिए इतनी सारी बातें हुई, अभी एक पैराग्राफ और पढ़ के सुनाना है मुझे। उनकी प्रशंसा करके उन्हें प्रोत्साहित करें। ये जो चार्ट मैंने तैयार किया ना, ये दैनिक भास्कर में मधुरिमा नाम का पेज आता है ना मधुरिमा, उसकी 14 नवंबर 2014 तब का लिखा रखा है मेरे पास, फिर कुछ मैंने अपने तरीके से जोड़ लिया इसमें, लेकिन आइडिया वहाँ से मिला मुझे कि आप बच्चों को अपने कार्य में सहभागी बनाएं। तो मैं 14 नवंबर 2014 का जो मधुरिमा है उसको भी आभार कहता हूँ कि तुम्हारी तरफ से लिख के लिखाया है। प्रायः बच्चों को, हाँ थोड़ा सा काम और देखें, प्रायः बच्चों को मिट्टी, लकड़ी, हथौड़ी, कील, कागज़ के खिलौने बनाना, गड्ढे खोदना, पौधों को पानी देना, झाड़ना बुहारना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, अभी भी 95% महिलाएं बर्तन ही नहीं मांज सकती, मतलब हो सकता मांज लेते होगे वैसे 99 कहूँ तो और ही ज़्यादा अच्छा है, क्यों राख ही नहीं बची, राख नहीं बची। बर्तन वाली बाई आती फिर तो आपको सीखना ही नहीं कुछ, बर्तन वाली आती तो वो उसी के पराधीन है बेचारी, वो माने घी क्या कहना, चिकने बर्तन है कढ़ाई तो चिकनी रखी है, नीचे काली होती जा रही चिपकते जा रहा है सब, तो इकट्ठा ही होता चला जा रहा है। माने बर्तन तो ऐसे होने चाहिए कि नीचे से भी झगा झक कढ़ाई, ऊपर से भी बढ़िया चमक चमक होना चाहिए, और हो सके तो अब क्या करें, मतलब कहना तो नहीं लेकिन कह ही रहा हूँ, मिलेंगे तो नहीं, मैंने अपने घरों में ये बर्तन स्टील के आ गए ना, ये बिल्कुल आप पढ़ के देख लो गूगल पे जाके, स्टील के बर्तन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एल्यूमिनियम तो खैर जहर ही है, एल्यूमिनियम का तो कोई भूल के भी प्रयोग नहीं करना खाने पीने की चीज़ों में, एल्यूमिनियम हो हिंडोलियम हो इनके क्या कहलाते कुकर वगैरह, इनका कभी इस्तेमाल नहीं करना, स्वास्थ्य के लिए पक्के में हानिकारक है। लेकिन अब ये क्या कहें, मुझे इतना दुख होता है जब नया नया स्टील चला तो घरों में से हमारी नानी दादी बढ़िया बढ़िया कॉपर बढ़िया बढ़िया परान उन्हें बेच करके और स्टील के बर्तन ले आए, मुझे तो इतना दुख लगता है, इच्छा ही नहीं होती हमें खाने की छूने की। हो सके तो इस बात का ध्यान रखना, ओरिजिनल लोहे की कढ़ाई की सब्जियां खाओ, उसमें आयरन ऑटोमेटिक मिलता जाता है। कांसे के बर्तन बहुत अच्छे होते थे, जर्मन सिल्वर के बर्तन बहुत अच्छे होते थे, बढ़िया इन बर्तनों का प्रयोग करो तो बढ़िया बात है। ओरिजिनल पीतल के बर्तन हो उनका प्रयोग करो, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन लोहे वोहे की कढ़ाई इनसे बचाओ। लेकिन अच्छे से मांजो, राख राख से मांजो, और राख यदि नहीं मिले, वैसे मिल जाएगी, अभी इतना पंचम काल का अंत नहीं आया राख मिल जाएगी, लेकिन यदि आप लोगे तो मिलेगी, थोड़े से हाथों को तो मेहनत लगती है उसमें, और नहीं मिले तो फिर एक काम जरूर कर सकते हो, क्या कहलाते हैं मार्बल पाउडर आता है मार्केट में, मार्बल पाउडर एक 40 किलो की बोरी आ जाती है, आप ला के रख लो, साल 2-3 साल चलेगी आराम से, और सस्ती भी आती है, और उसका इस्तेमाल करो। मैं तो अपने साथ हमेशा राख लेके चलता हूँ, अपनी राख 12 मास ही अपने राख से ही बर्तन मांजता हूँ। यहाँ भी ये ध्यान रखना ना सब लोग, बिना राख के बर्तन जो क्या कहलाते हैं वो साबुन और क्या रहती है जो भी कुछ बिम बार और क्या क्या रहता है, और कई घरों में तो कौन लाए बिम बार, निरमा साबुन बढ़िया पाउडर झगा झग उसने डाला एक में
और तीन बार धड़ धड़ धड़, मैंने बर्तन 10 मिनट के अंदर तो धुल के तैयार और रखा गए। लेकिन इनका जो नमक का क्या, नमक नहीं, वो पाउडर का जो क्षार है वो आंते काटता है, हाथों में घाव पैदा करता है, बहुत भयंकर बीमारियों का कारण है। आप चाहो तो मेरी बात नहीं मानो तो, क्यों सर्वज्ञ की नहीं मानो तो अल्पज्ञ में गूगल है और क्या करें, आप उनकी मान लो, उनसे पूछ लो, अखबार वालों से पूछ लो, डॉक्टरों से पूछ लो, रामदेव की मान लो, जिन देव की नहीं मानो तो वो राखोड़ की साबुन बना बना के भेज रहा है आजकल, राख की नहीं, राख है अभी, और नहीं मिले तो मैंने बताया मार्बल पाउडर का इस्तेमाल करो, लेकिन विम का प्रयोग मत करो। लेकिन जब भी आप राख का प्रयोग करोगे और मार्बल पाउडर, तो फिर बास बेसिन में उसका पानी नहीं डालना, बास बेसिन चौक हो जाएगा आपका। भूल करके भी ये गलती नहीं करना, वो सारा पानी स्टोर कर लो और छनिया करके ऊपर का पानी आप यूज़ कर लीजिए, और नीचे का पानी पॉलीथिन में भर करके गीला कचरा की पेटी आती है नगर निगम की, उसमें डाल दें, समझ गए आप। आगे चलो, तो बच्चों को ये काम बहुत अच्छे लगते हैं, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, घर सजाना, मंडप बनाना, बच्चों को घर बनाने का वो बहुत आइडिया होता है, बहुत बच्चों को बनाना सिखाई। छुरी और कैंची के प्रयोग अच्छे लगते हैं, ये खेल बच्चों में सृजनात्मक वृत्ति पैदा करेंगे, बच्चों में जान डालेंगे, बालकों को संतुष्ट करेंगे। अपन सबने बनाए होंगे मेरे ख्याल से, वो एक क्या बनाते थे अपन, घनौंदा रेत में तो मैं से बनाए, किसी ने नहीं बनाया, रेत में घर बनाते थे बढ़िया। डबल स्टोरी बनाई किसी ने, कि सिंगल सिंगल, डबल बना के देखना है ना इससे बालक को, ध्यान से सुनो, इससे बालक का गलत रास्ते जाना सहज ही बंद हो जाएगा। बच्चों को आप पेंटिंग ड्राइंग में भी लगा सकते हो, खेलकूद में लगा सकते हो, कीलें ठोकने में लगा सकते हो, लकड़ियों के टुकड़े से, और मार्केट में से खिलौने भी आते हैं आजकल, नई नई चीज़ बनाने की बातें होती हैं, आप देख लेना। मेरा मतलब ये है, बच्चों को अकेला नहीं छोड़ें, वीडियो गेम खेलने नहीं छोड़ दें, कार्टून देखने नहीं छोड़ दें, और बच्चों को गलत संगति में भी, गलियों में ना छोड़ें, अपने साथ रखिए। गंदे खेल खेल कर शरीर और मन को गंदा बनाने की अपेक्षा, अगर इन खेलों में हाथ पैर और कपड़े भी गंदे होते हैं तो कोई नुकसान नहीं। इन खेलों से शरीर उजला होता है, मन स्वच्छ होता है और तन निरोगी बनेगा, जितने काम ऊपर बताए। सावधान, कार्य में मान अपमान ना तलाशें, ए तू जूता पॉलिश करेगा, ए तू झाड़ू लगाएगा। बच्चों को लेटरिन बाथरूम का काम मैंने नहीं लिखा है, लेकिन कराना चाहिए, सफाई करने की आदत डालें, बाथरूम की सफाई, लेटरिन की सफाई, मेंटेनेंस सिखाना चाहिए उसको, माने मान अपमान नहीं लगना चाहिए इसमें, कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए इतना गंदा काम तुम नहीं करोगे, नहीं नहीं अपन करेंगे सारा। सावधान, मान अपमान ना सोचें, कार्य में संपूर्णता एवं सुंदरता ना तलाशें, ये बहुत अच्छी बात कहना है मुझे, सभी लोग सुन लो फिर से, माँ और बेटी की या बाप बेटे की इसलिए नहीं बनती है, ऐसी रोटी बनाई, इंडिया का नक्शा, दक्षिण अफ्रीका का नक्शा, कभी नहीं बोलो आप उसमें, उस बच्चे के कार्य में संपूर्णता और सुंदरता ना तलाशें। आपको पता है बच्चा पहली बार हट बनाता है, झोंपड़ी, झोंपड़ी बनाता है पहली बार, कितना खुश होता है, मम्मी देखो हो कहा हो कुछ नहीं है। अब तुम्हारे लिए तो वो हरी नीली लाइन है पेंसिल की, चार इधर इधर ऐसी ऐसी कर, अरे उसने पहली बार एक मकान बनाया है, उसका बस चले तो उसमें जाके रहने लगे हो, उसने पहली बार आकाश की कल्पना की है, बादलों की, पक्षियों की कल्पना की है, उसने पहली बार एक झाड़ की कल्पना की है, पहाड़ और नदियों की कल्पना की है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उसने विश्व कप जीतने जैसा आनंद लेता है वो। लेकिन जनरली जब भी वो बच्चा आता है ना, बड़े खुशी खुशी, पापा पापा एक चीज़ बताएं, हाँ बताओ बेटा, बता मेरी ड्राइंग बुक देखो, हाँ क्या है, है कुछ कुछ कहा है, जाने कहाँ से तेरे को गुड़ मिल गया इसमें आप समझ गए कुछ। बच्चों को आप, फिर से कह रहा हूँ तीसरी बार, बच्चों के कार्य में संपूर्णता और सुंदरता ना तलाशें, एवं भय एवं ज्ञान की अल्पता ना देखें, उस बालक का उत्साह तो देखो जो छोटे छोटे कार्य करने से कितना प्रसन्न होता है, उसे मिलने वाले उस संतोष को देखो जो उसे स्वर्ग प्राप्ति का सा आनंद देते हैं, उसके सामने उसे स्वर्ग का आनंद भी कुछ नहीं,
इसलिए बच्चों के जितने काम हो उनकी आप तारीफ जरूर करिए। घड़ी में टाइम हो गया, आप कहो तो 5 मिनट ले लूँ, नहीं तो कल 1 घंटा लग जाएगा। ले लूँ कि नहीं लूँ? ले लेता हूँ जल्दी से, फटाफट पढ़ाता हूँ। मैं भाषा की संस्कार की बात करना चाह रहा हूँ। मैं तो आप सबसे भी कहूँगा कि आपकी जानकारियाँ आए तो मुझे लिख के दे देना, मैं उसे भी ऐड कर लूँगा। जब भी मैं मंच पर बैठता हूँ तो कोई ना कोई संचालन करता है मंच पर, तो मुझे कुछ चीज़ें हथौड़ी जैसी लगती हैं दिमाग पर, वे बातें मैंने इसमें नोट की हैं कुछ कुछ। तो सभी लोग ध्यान रखना, जब भी बोलें तो कैसे बोलें। मैं कुछ शब्द बता रहा हूँ, आप देखिए। देखो, आइए, आओ, पधारिए, आ, ये चारों पांचों शब्द हैं ना, वो इसी के हैं कि आइए। लेकिन उन चारों का जो भाव का उच्चारण का जो ताकत है, विनय है, उनमें बहुत डिफरेंस है। आप नौकर से कहेंगे इधर आ, भैया से कहेंगे आइए, पापा से कहेंगे पधारिए। जैसे मैं अंतर इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे ग्रैंडफादर को भोजन करने के लिए बुलाना है तो मम्मी बेटे से ये नहीं कहे बुला ले, तो नौकर को बुलाया जाता है। मम्मी बेटे से ये ना कहे कि जा दादा को बुला ले, दादा को बुलाना नहीं है, दादा को भोजन के लिए आमंत्रित करो। ध्यान रखना मैं शब्द क्या बोल रहा हूँ, भोजन के लिए आमंत्रित करो। रिश्तेदारों को निमंत्रित करते हैं लेकिन घरों में उनको आमंत्रण देते हैं। रोटी दिया, दादा को रोटी दिया, रोटी परोस कर आओ, दोनों फर्क है, समझ गए आप? तो कई बार यहाँ से मंच संचालन जब होता है ना कहीं पर भी, अभी मैं वहाँ भी सुन रहा था, गजपन था मैं भी, और वहाँ पर भी देवलाली और भी सभी जगह, माने श्रीमान धीमानों को, विद्वानों को, सेठों को, ऐसे हम उनसे कहते हैं या हम उन्हें पुकार रहे हैं, वो मंच पर आए, आए भैया नौकर आता है। मैंने कौन कौन शब्द दिखे, देखो पधारिए कहिए आप, और जाने के लिए क्या कहो, किसी को जाने के लिए कहना है तो, अब ये शब्द थोड़ा खराब सा लगेगा लेकिन है बहुत अच्छा, शुद्ध हिंदी का शब्द है सिधारो। अपन ने इसे ऐसे सुना है स्वर्ग सिधार गए, लेकिन पधारिए और सिधारिए, सिधारिए मतलब अब आप जाइए, आपका टाइम हो गया, मतलब अच्छी भाषा का शब्द है इस्तेमाल करने के लिए। अब आप अपने अपने घर के लिए पधारिए, सिधारिए। अब पधारना और सिधारने में फर्क होता है, पधारने में आया जाता है और सिधारने में जाया जाता है, तो कुछ भाषा का अंतर, ये बिल्कुल सभी लोग ध्यान रखना। ऐसे मैं कुछ शब्द बोल रहा हूँ, दे, दो, दीजिए, प्रदान कीजिए, अर्पण कीजिए, इन सब में कोई चीज़ दी जा रही है तो सब पाँचों छः में दे, लेकिन जब रफ लैंग्वेज में बोलते हैं दे, ये खराब भाषा, अशिष्ट भाषा। बेटे एक काम दो, पेन दो, ये अच्छी भाषा है। इससे भी अच्छी भाषा है आप दीजिए ना, और अच्छी भाषा, अभी ध्यान से सुनना पूरी बात, बड़े लोग छोटों को प्रदान करते हैं और छोटे लोग बड़ों को अर्पण करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि एक बच्चा आकर के मुझे गिफ्ट प्रदान करेगा, अवार्ड प्रदान करेगा, मैं इन्हें अवार्ड प्रदान करूंगा, और यदि ये कुछ करना चाहते हैं सम्मान ग्रंथ या कोई चीज़ तो अर्पण करेंगे। ध्यान रखना इन बातों को घर में बोलने में इस्तेमाल करोगे तो बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। बड़ों के लिए चीज़ अर्पण की जाती है और बड़े छोटों को प्रदान करते हैं, ये भाषा का ध्यान रखें। ऐसे ही समझ जाएंगे इसलिए फटाफट पढ़ देता हूँ, खा, भोजन ग्रहण कीजिए, प्रसाद लीजिए, अब देखो फर्क है। जब भी अपने स्वामी वात्सल्य होते ना, स्वामी वात्सल्य, ये प्रसाद ही कहलाता है, सभी प्रसाद ग्रहण करके जाएं, अच्छी भाषा है। मंदिरों में जब भी भोजन करके जाएंगे, ऐसे कई बार लोग बोलते हैं, शिविरों में कई बार बोल देते हैं आपके भोजन की व्यवस्था वहाँ है,
व्यवस्था बहुत खराब शब्द है, आप भोजन के लिए सादर आमंत्रित है। सभी साधर्मी भाइयों के लिए भोजन के लिए आमंत्रित, मतलब अच्छी भाषा, बहुत अच्छी भाषा बोले। आगे एक शब्द और, पूज्य, आदरणीय, पूजनी और परम पूज, ये सब आदर सूचक शब्द हैं। लेकिन मैं तो केवल लंबी व्याख्या नहीं करना चाहता, इसे शॉर्ट में बोल रहा हूं। कई बार साली ने जीजा जी को पत्र लिखा, परम पूजनी जीजा जी। अब जब परम पूजनी माने परम समझ गए ना, क्या बोलाती वो डिग्री होती है ना, डिग्री सुपरलेटिव, जब सुपरलेटिव डिग्री तुमने जीजाजी में लगा दी तो अपने पति के लिए क्या बचा, और जब पति के लिए सुपरलेटिव लगा दोगे तो फिर भगवान के लिए क्या बचा। ध्यान रखना, परम पूजनी केवल अनंत भगवान होते हैं, पूजनी हमारे माता पिता होते हैं, गुरुजन होते हैं। बाकी लोक में और जो बराबरी की उम्र वाले होते हैं वे पूजनी नहीं, नहीं होते, वे आदरणीय होते हैं, वे आदरणीय होते हैं। हर कहीं हर कोई नहीं लिख दोगे यार। मैंने 16 साल के युवाओं के लिए, जब मैं पहली बार खतौली गया था, वे 16 साल के थे, तो उनसे मेरा पत्राचार हुआ, तो मैंने उनके लिए शब्द लिखा था तत्व रसिक। तो पंडित साहब ने वो लेटर पढ़ा, बोले भैया जी 16 साल के लड़के ही तत्व रसिक हो गए, तो फिर आचार काय के रसिक हो गए। पंडित साहब ने सिखाया मुझे तत्व रसिक नहीं लिखना, बहुत ऊंचा शब्द है, आचार्य भगवंतों के लिए लिखा जाता है। अभी एक दिन मेरे मुंह से निकल गया पंडित साहब के सामने, पंडित साहब मैं प्रवचन करने जा रहा हूँ, ये तुम प्रवचन कब से करने लगे। पंडित जी बोले तुम प्रवचन कब से करने लगे। भैया अपन प्रवचन नहीं करते, स्वाध्याय करते, प्रवचन तो अनंत भगवान की होती है, गड़दरों की होती है, अपन काहे की प्रवचन करेंगे, अपन तो बांझ लें यही बहुत है। मैंने पंडित जी फौरन सिखाते एकदम। तो ये भाषा का डिफरेंस सभी लोग ध्यान से सुनना। एक शब्दावली और है, प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, जय जिनेन, इच्छामी, बंदामी, इच्छाकार, वंदना, नमोस्तु। इतने सारे शब्द हैं जो हर जगह हर कोई सा नहीं लगा देना। आप स्कूल जाते हो, टीचर के लिए आप नमस्ते कह सकते हो, नमस्कार कह सकते हो बड़े जनों के लिए, लेकिन नमोस्तु नहीं कह सकते। नमोस्तु दिगंबर मुनि भगवंतों के लिए कहते हैं, पर याद रखना हो। ऐसे ही इच्छामी, जो बढ़नी वगैरह होते हैं उनको इच्छाकार कहते हैं, आठवीं प्रतिमा उनको इच्छाकार कहते हैं। सातवीं प्रतिमाधारी हो तो इनको वंदना बोलते हैं, ब्रह्मचारी वगैरह होते हैं इनको वंदना कहते हैं। बराबरी, ध्यान रखना बराबरी, ध्यान से सुनो सभी लोग, बच्चे लोग ध्यान से सुनना, ये पूछेंगे प्रश्न तुमसे। बराबरी के दो मित्र हैं, तो जय जिनेन, हमने कोटा गए, युवल जी बाबू जी को बोला जय जिनेन, सो नाराज हो गए, क्यों मैं तुम्हें बराबर का हूं। बराबरी वालों को जय जिनेन होता है। और बाबूजी ने जब चिट्ठी लिखी ना हमारे यहाँ, तो हमारे पिताजी के लिए लिखा है, तुम्हारे पिताजी के लिए प्रणाम। बाबूजी ने पत्र में प्रणाम लिखा, तब हमें डिफरेंस समझ में आया कि बाबूजी को बड़े विद्वानों को जय जिनेन नहीं कहना, कभी प्रणाम बोलना चाहिए। तो हम फिर बाबूजी के पास जाते थे, उन्हें हमेशा प्रणाम बोलते। बाबूजी ने अंतर सिखाया, नमोस्तु, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, इन सबका डिफरेंस जरूर समझना। इच्छामी और बंदामी, आरिकाओं को बंदामी बोलते हैं, और छुल्लक एलक वगैरह हो उनको इच्छामी बोलते हैं, ये बात का ध्यान रखना। अभी एक अंतिम बात और कहने की इच्छा है, नींद आ रही क्या आपको? नहीं आ रही, तो फिर एक बात और कह देता, फिर अपन चलते हैं। भाषा की बात है ना, तो एक थोड़ा, अब देखो अभी ये सब जो भाषा थी ना, ये औपचारिक थी। इन सबसे भी एक बहुत अच्छी भाषा होती है जो हृदय के निकट होती है, मैं दिल के करीब नहीं कहना चाहता, बहुत बेकार लगता है वो। हृदय के नज़दीक होती है, और सुनना सभी लोग, और सबसे ज़्यादा झगड़ा इसी में होता है, और सबसे अच्छी भाषा होती है वर्ल्ड की सबसे अच्छी भाषा, उसका नाम है अनौपचारिक भाषा। अनौपचारिक भाषा मैं जल्दी जल्दी सुना देता हूँ, बच्चे लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि सबको काम आएगी ये। आप कभी फ्रेंड के घर जाते हैं ना, तो
मित्र की मम्मी आंटी कितने अच्छे से बोलती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और अपनी मम्मी कैसे बोलती है तो अच्छा नहीं लगता। अपनी मम्मी तो जब देखो जब प्राण खाती है, जब देखो जब खाएं खाएं चिल्लाती है। तो ये नहीं समझना, जो जितने नज़दीक होते हैं ना उनको अनौपचारिक भाषा होती है। गुरु शिष्य यदि अत्यंत नज़दीक होंगे तो अनौपचारिक भाषा बोलेंगे। सास बहू यदि नज़दीक होंगी ना तो सास कभी ऐसे नहीं बोलेगी जरा आइए, ऐसे नहीं बोलेंगे। अपनत्व की भाषा ऐसी होती है, क्या कर रही जल्दी है, ले खीर खा, खाने पड़े हाँ खाओ। अब ये भाषा ऐसी लग रही जैसे यदि बहुत करीब होंगे ना दोनों तो बहुत अच्छी लगेगी, और नहीं तो हाओ देखो ऐसे तो हम मैत्रानी से बोला ऐसे तो हम नौकरानी से बोला खा, हमने कहा कभी खाए नहीं हुआ पियर में तो हमने खूब खाओ अम्मा ऐसे बोला। अब इसीलिए मैंने कहा लड़ाई भी सबसे ज़्यादा इसी में होती है, और मुझे ये भाषा बहुत प्रिय है। जो मेरे निकटवर्ती होते हैं ना उन्हें सीधे बोलता है, कितना अच्छा लगता है। कभी आपके घर में मेहमान आते हैं, खास तौर से सगी बहन, और भी आती है ना, सगी बहन की बात कर रहा हूँ, तो आप उनसे बार बार औपचारिकता करते हो, बहुत दिनों बाद आई जीजी का बना दें का खा लो जी ले लो बोल, तो भी कहती कैसे कर रही तुम, अपनो घर है वो हम तो उठाए खा लें। और भाई बैठ गई वहाँ पे का कहलाती वो देरी पे, और भाई वहीं लगे बैठ कर खाने लगी, मन घर जैसी बात है। तो जी अच्छा लगता है अनौपचारिक, लेकिन ध्यान रखना अनौपचारिक में भी एक मर्यादा है। यदि आप रिश्तेदार हैं तो भले ही आप कह दो हम तो बना के खा लेंगे, हम तो उठा के खा लेंगे, हम तो मांग लेंगे, लेकिन उठा के खाइयो नहीं। मैंने अनौपचारिक भाषा तो बहुत अच्छी लगती है। अब कल्पना करो बे जीजी आई और थोड़ी देर बाद मामे से केला निकाल के खा गए, फिर थोड़ा सा नमकीन खा गए, फिर जैसे मीठो खा गए, और जैसे नींबू को पानी बना लो, फिर गुड़ निकाल के खा गए, तो फिर शुरुआत तो थोड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन एंड बहुत ख़राब होगा। अगली बार जब भी आएंगे ना तो जगह जगह ताले लगाने पड़ेंगे। मैंने ये आपकी इंसल्ट है, ये आपकी बेइज्जती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं फिर से वापस आ रहा हूँ, अनौपचारिक भाषा गुरु शिष्य के बीच में होना आपका महापुण्य का उदय है। सास बहू के बीच में अनौपचारिक भाषा होना, इसके महत्व पर तो एक आध घंटे लेक्चर होना चाहिए। मैंने ब्रह्मचारियों की प्रेरणा लिखा, एक लेख लिखा, उसमें इसको बहुत विस्तार से लिखा है। आप बताओ 25 साल पुरानी सास बहू और मेहमानों के सामने बिल्कुल ऐसे बोल रही, आप क्या खाना पसंद करेंगी, तो समझ जाएंगे रिश्तेदार कि इन दोनों में दूरियां बहुत हैं। होना ये चाहिए, मम्मी आप क्या, आपके लिए क्या लाऊं, मम्मी आप तो यही ले लेना अच्छा रहेगा आपके हेल्थ के लिए अच्छा। मैं सीधे बोलो, और वो भी ऐसे बोले क्या कर रही जल्दी आप खा ली, बहुत अच्छी भाषा है। समझ गए भैया, ऐसे टीचर भी बच्चों को बोलते हो ना तो बच्चों को खुश होना चाहिए कि टीचर बहुत हमारे निकट हैं, आत्मीय हैं। ये थोड़े से भाषा के संस्कार। अब और भी कोई भाषा आपने सुनी हो संयम आप लोग और सब लोग तो मुझे लिख के दे देना, मैं वो भी जोड़ दूंगा। मैं चाहता हूँ कि बहुत मिस्टेक होती है भाषा संबंधी, तो कुछ बातें तो हमने बताई हैं, बाकी बातें आप समझदार हो पढ़े लिखे तो हो ही सब, तो इसलिए और भी कमियां हो तो दूर करना। और बच्चों की, बच्चों को टोकने में बिल्कुल आप बच्चों को फौरन बताइए इसका भाव अलग है बेटे, ऐसे नहीं बोलना है अपने को। ओम नमः शिवाय। लौकिक जीवन भी कितना मंगलमय हो, पालक बालक संस्कार सीरीज आप देख रहे हैं, आज का ये तीसरा एपिसोड आपने ये पालक बालक संस्कार जो है अपना क्रम से चलता रहेगा। एक प्रश्न मेरे पास आया है, जब बच्चा किसी भी बात की जिद करता है और वो काम से, उस काम से उसको नुकसान हो सकता है तो माँ उसे मना करती है, फिर भी बच्चा वही कार्य को बराबर करता है तो माँ उसको मार देती है, तो वह ऐसा क्या करे कि उस बच्चे को मारना भी ना पड़े और बच्चा समझ भी जाए। बच्चे को काम करने के लिए कहो कि आप करो, लेकिन दो दिन बाद, एक दिन बाद, छः घंटे बाद, माने आप उसे टाइम दे दीजिए तो उसे सोचेगा। तात्कालिक जो कसाई होती है ना काम करने का जुनून, वो ठंडा हो जाना चाहिए। जैसे अभी करना चाह रहा है अभी मना कर दिया तो बच्चा समझने के लिए तैयार ही नहीं होगा। इस बीच में आप बच्चे से बातें करिए,
और बच्चे पर बिल्कुल गुस्सा मत दिखाइए कि तू गलत काम करने जा रहा है, बोलो ही मत कि तू गलत करने जा रहा है, तू हाथ कट जाएंगे, करंट लग जाएगा, तू जल जाएगा, मर जाएगा, कुछ मत चिल्ला, आओ ओके आज तुम बहुत अच्छा काम सोचा, बिल्कुल यही करेंगे अपन, आओ तुम कहाँ गए थे, किससे मिल के आए, कहाँ देखा, धीरे धीरे बातचीत करिए उसे, अच्छा वो अब समझ में आया, अब आप उसे बड़े प्रेम से समझा सकते हो, बेटे उनके यहाँ वो चीज़ खाई जाती ना इसलिए ऐसा करते हैं, उनके यहाँ ऐसा काम इसलिए होता है, अपने यहाँ नहीं होता बेटे, देखो इस काम को अपन करेंगे तो इस तरह से लॉस होगा, अच्छा तुम करके देखो, जैसे मान चलिए वो ज़बरदस्ती फिर भी हाथ लगा रहा है, तो अर्थिंग होती ना अर्थिंग वायर, तो थोड़ा सा उसे टच करो, देखो बेटे ऐसा करंट लगेगा फिर आपको, देखो कभी हाथ मत डाल देना इसके अंदर, और कभी लोहे की कील मत घुसा देना, थ्री पिन में क्या कहलाता है वो, ऐसे नहीं करना बेटे, तो बच्चा जिंदगी भर के लिए पाठ सीख जाएगा। मैं ये कहता हूँ थोड़ी देर के लिए हानि भी हो जाए ना, जैसे हाथ चिक जाए, जैसे गर्म गर्म बर्तन पे, तो एक इतना सा हाथ चिका दो उसका, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए तकलीफ होगी, नहीं जिंदगी भर के लिए सीख जाएगा कि ये गर्म चीज ऐसे नहीं पकड़नी है। अब कौन सा काम है जो बिल्कुल गलत है वो मुझे लिख के देना, तो मैं उसी का काम बताऊंगा कि इसको अपन इस तरह से बात करेंगे बच्चे से। एक बात अच्छी तरह समझ लो, बच्चे जिद्दी नहीं होते, लेकिन जब हम टोटल ऑर्डर देते हैं ना, या हम अपना निर्णय थोपते हैं, तो फिर बच्चा जिद्दी हो जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, आप अपने निर्णय को उस पर थोपिए मत, उसे क्लू दीजिए, उसे पॉइंट दीजिए सोचने के लिए, उसके इस विचार शक्ति को बढ़ाइए, बच्चा बहुत समझदार होता है। यदि बच्चे को समझ में आ जाता है ना कि हार्मफुल है, तो कभी नहीं करेगा वो। ऐसा कोई काम बताना, मैं उसके बारे में और स्पष्ट बता दूंगा कि इस संबंध में हमें क्या करना चाहिए। एक प्रश्न मेरे पास सुबह आया था, भैया के माध्यम से आया मेरे पास तक सबके, कि ऐसे अच्छे संस्कार दे देंगे तो लोग तो खा जाएंगे, लोग तो दबाएंगे उसे, लोग तो फला कर देंगे। तो हीरो के गुणों में मैंने एक बात कही थी कि उसका अंत अच्छा होता है। आप क्या चाहते हो, महावीर भगवान का अंत अच्छा हुआ, आचार्य कुमकुम स्वामी का अंत अच्छा हुआ, पारसनाथ भगवान का अंत अच्छा हुआ, आप नहीं चाहते आपके बच्चे का अंत अच्छा हो? शॉर्टकट नहीं है जिंदगी में, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। यदि आप चाहते हो ना बच्चा उन्हीं बच्चों जैसा मिलकर के चालाक बन जाए, कपटी बन जाए, बेईमानी करे, जल्दी करोड़पति अरबपति बन जाए, तो फिर आप गलत हो और बच्चे बहुत दुखी होंगे। वर्तमान में थोड़ा आप स्टडी कर लो न्यूज़पेपर की, तो इस समय 90% से भी ज़्यादा लोग शॉर्टकट के चक्कर में हैं, दिन रात और रात करोड़पति बनना चाहते हैं, अरबपति बनना चाहते हैं, और इस चक्कर में करोड़पति अरबपति लोग भी मिट रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए में, अरबों रुपए में खेलने वाला तुम्हारा अनिल अंबानी दिवालिया हो गया, कौन सा नीरव मोदी वहां बैठा है, विजय माल्या वहां हैरान हो रहा है, देश में कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली इस सट्टेबाजी, कमोडिटी और क्या क्या कहलाता है तुम्हारा, चिट फंड, और एक साल में डबल, छह महीने में डबल, दो साल में डबल। आप अपने बच्चे को ये समझाएं कि तात्कालिक प्रसन्नता, तात्कालिक आनंद लंबी नहीं होती बेटे, स्ट्रगल करना सीखो, संघर्ष करो, और कभी मत सोचो कि हवा में से पैसे पैदा होते हैं, कभी सट्टेबाजी, आईपीएल की सट्टेबाजी और कुछ में मत लगाओ, आप परिश्रम करके कमाना सीखो। बच्चे को कोई दुनिया नहीं ठग पाएगी, कोई हैरान नहीं कर पाएगी, मेरा दावा है। आप बच्चे को गलत रास्ता जो कि लोग अपना रहे हैं 90% लोग, यदि उस गलत रास्ते पर बच्चा जाएगा तो बहुत जल्दी आपको बहुत दुख होना, तब बच्चा दिवालिया हो सकता है, करप्ट हो सकता है, जेल में जा सकता है, मारपीट कर सकता है, लड़ाई झगड़ा कर सकता है, चक्कू चला सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा जिंदगी में तूफान आएगा कि आप जिंदगी भर दुखी होंगे। और आप देखना चाहो तो एक महीने का अखबार ले आओ, मैं आपको ऐसे माता पिता बताता हूँ जो बुरी तरह से परेशान। इसलिए आप अपने बच्चों को बिल्कुल यही रास्ता बताइए जो ये बता रहे हैं, एक न एक दिन बच्चा आपका भगवान बनेगा, इससे बड़ी शुभकामना मैं नहीं दे सकता। अब पूछो क्या पूछ रहे, बैठे बैठे पूछ। वो मेन प्रश्न तो यही था कि हाँ। लोग ये कहते हैं कि हम तो जिंदगी भर कर करके मर गए हाँ। और हमें मिला कुछ नहीं, मिला ना? तो क्या करें, उसका उत्तर आपने दे दिया। अच्छा। दूसरा प्रश्न ये है कि दो बातें हैं, एक तो ये कि जैसे बच्चे होते हैं
तो एक कॉमन हमारा क्राइटेरिया होता है कि भैया बच्चे के नंबर कितने आए, उससे हम इसका निर्णय करते हैं भैया बच्चा कितना समझदार है कितना बेवकूफ है। तो एक तो उसके बारे में भी थोड़े से आप सुबह बताई थी बात, मतलब आज सुबह बात चली थी ये, मैंने बच्चे डिग्रियों से बड़े नहीं होते, टैलेंट से बड़े नहीं कहलाते, और नौकरी भी नहीं मिलती इन चीज़ों से, वो भी नहीं मिलती। और मेरा बहुत जल्दी एक मेरे को एक घंटा लेना ही इस सब्जेक्ट पे जो आप कह रहे हो, शिक्षा के बारे में कल भी सारा किया था, आज सुबह भी सारा किया था कि एक घंटा अपनी पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन होने चाहिए, बिल्कुल खुले राउंड मैच सम्मेलन ही होने चाहिए इस पर। भले हम किसी की बात ना माने लेकिन हमें विचार मंथन होना चाहिए। मैं इस पर चर्चा करने वाला हूँ और बच्चों को कैसे नौकरी मिलती है ये भी बताने वाला हूँ, इन बच्चों को भी काम आएगी जो हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, बच्चों को कैसे नौकरी मिलेगी इस संबंध में भी बताएंगे। अच्छा, यदि क्रियाएं करने के लिए इतना आतुर होकर के हमें बच्चों को अपने साथ में रखना है, तो अब उसके लिए तो हमें उन्हें बहुत जिज्ञासु और पुरुषार्थी और क्रियाशील बनाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ठीक। लेकिन इसके ऑपोजिट जो ज्ञान अर्जन का कार्य है उसके लिए अब इन्हीं कामों में हम उन्हें लगाए रखेंगे तो फिर हम ये वाला टाइम निकाल करके उन्हें पढ़ने का टाइम कैसे दे सकेंगे और उसमें वो खुद का डेवलपमेंट कैसे कर सकेंगे, ये भी एक उसमें पॉइंट था। बहुत बढ़िया, मैंने इसके लिए भी एक शेड्यूल बनाया है बच्चों के लिए। अभी एक विद्यालय ने बहुत रिजिडली टाइम टेबल सेट किया, रिजिडली कि बच्चों को आप 8 या 9 बजे सुला दो, सुबह 3 बजे जगाओ। अभी 15 दिन पहले के अखबारों में ही है, कहीं विदेश का है शायद, विदेश का है, और बहुत रिजिडली उन्होंने कहा बच्चों, बच्चे क्या करते हैं रात को 12 बजे तक पढ़ रहे हैं, तो उस समय वो मोबाइल कितना चला रहे हैं और पता नहीं फालतू बातों में क्या कर रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं। तो वो टाइम बचाने के लिए उन्होंने कहा रात को 8 या 9 बजे सुलाइए, 3 बजे उठाइए और बच्चों को होमवर्क उस समय कराइए। मैंने भी पूरी दिनचर्या सेट करके रखी है, एक दिन उसकी पूरी चर्चा करेंगे अपन कि बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना टाइम मिलेगा, क्योंकि वो पढ़ाई संबंधी है तो 1 घंटे में पूरी चर्चा एक दिन मुझे लेनी है। आज का अंतिम प्रश्न, विराधना के भाव से तो नहीं पर शास्त्र स्वाध्याय करते समय यदि हम शास्त्रों को पैरों पर रख लेते हैं तो विराधना का फल लगता है या नहीं? लगता है। मैं तो इसमें एक बात और भी कहता हूँ, मात्र ग्रंथ ही नहीं, सबसे पहली बार 30 साल पहले पंडित साहब के सामने जब मैं गया था वहाँ, तो कॉपी लिखते थे ना कॉपी, तो वो मैंने पैरों में रख ली, तो पंडित साहब से मैंने मुखारविंद से पहली बार ये शब्द सुना था, ये डायरी कॉपी भी हस्तलिखित ग्रंथ है, आप ग्रंथ की बात, दिव्य ध्वनि की बात, जिनवाणी की बात आप हाथ से लिख रहे हैं तो उसे भी इस पर मत रखिए, आप पंडित जी साहब के सामने कभी भी कोई यहाँ नहीं रख सकता, तो ग्रंथ भी यहाँ नहीं रखना, और सामने कोई तख्ती रख लो आप, कोई ना कोई चीज़ रख लीजिए, मैंने साधन अपना खुद रखिए और जिनवाणी का आदर बराबर करते रहिए। बहुत अच्छा, अभी हम और आप एक और वंदना भैया जी, मुझे ये पूछना है कि बच्चे को गर्भ में ही ऐसा क्या संस्कारित करें कि अपने जैन धर्म के लिए और अपने परिवार के लिए वो कुछ योग काम कर सके। इसके लिए भी 1 घंटा रखा है लेकिन मैं पहले बचना चाहता था इससे, लेकिन पूछा है तो मैं 1 घंटा इस पे बता दूंगा। अपना जो पालक बालक संस्कार सीरीज चल रही है उसमें कभी ना कभी एक दिन का प्रवचन गर्भ संस्कार पे आ जाएगा, इसलिए कोई भी एपिसोड आप मिस ना करें। सुबह ठीक 7:15 बजे पूजन प्रारंभ होगी और 8:30 बजे से यहाँ आध्यात्मिक पाठ, और ठीक 9 बजे से आप कोशिश कीजिए इस सभा को अपन आध्यात्मिक सभा जैसा 8:45 तक तो किसी भी कीमत पे आप यहाँ आ जाएं, तो ठीक 9 बजे हम यहाँ प्रवचन प्रारंभ कर सकें सुबह के, तभी जिनवाणी स्थिति। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है उसके लिए।